वेलकम टू माय चैनल सोनिया गुस्सर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज मैं बना रही थी चिकन लॉलीपॉप। सो मैंने सोचा जब बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ करती हूँ रेसिपी शेयर। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये लॉलीपॉप्स। सो ये जहाँ पर चिकन वगैरह मिलता है उस शॉप पे आराम से मिल जाते हैं ये। हम बोलेंगे लॉलीपॉप बना के दो तो यहाँ हमारे यहाँ तो मिल जाते हैं, शायद आपके यहाँ भी अवेलेबल हों। सो मैंने ये लिए हैं लॉलीपॉप्स, ये 1 kg है। और इसके लिए मुझे जो बैटर बनाना है उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, और ये लहसुन अदरक हरी मिर्च और धनिया मैंने पेस्ट बना लिया था। सो ये मैंने पेस्ट लिया है, और मैंने लिए हैं ये 1 पाव के करीब। ये 2 हैं, ये हाफ हाफ पाव हैं, तो इसमें 1 पाव मैंने ये दही ली है। और फिर ये लिया है मैंने मैदा। सो अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पर मैंने लिया है ये अरारोट, और इसके लिए चाहिए मुझे मिर्ची, मसाले में मिर्ची और सिर्फ नमक, एंड बस इतना। अब मैं इसका बैटर बनाऊंगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बैटर कैसे बनाना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं लूँगी ये जो मैंने पेस्ट किया था, इसको मैं इसमें डाल लूँगी। सो इसमें पानी ऑलरेडी है मेरे से, वैसे पानी एक्स्ट्रा हो गया, आप चाहें तो गाढ़ा भी कर, बट इसमें पानी मिलाना ही पड़ता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें मैं ये 2 अंडे जो हैं इनको फोड़ दूँगी। सो ये अंडे इसमें मैंने फोड़ दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो बस ये यहाँ पर स्पून से ही हो गए हैं ये। सो बस यहाँ पर ये हो गया मिक्स, और अब मैं ये दही डालूंगी इसमें। सो इसके लिए मैं दूसरी स्पून ले लेती हूँ। सो यहाँ पर ये मैं पूरी दही इसमें ऐड कर दूंगी। बस ये मैंने इसमें 2 डब्बे पूरी दही डाल ली है, और अब मैं इसको लूँगी ये। सो इससे ये बहुत जल्दी से और अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएगा। सो इसके जो लम्स हैं ये पूरे हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये नमक और मिर्च जो है, इसको भी इसी टाइम पे हम ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बस ये एक पतला सा इस तरह का घोल तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो ये हमारे मैदा और कॉर्नस्टार्च है, कॉर्नफ्लावर। सो बस इसमें मैं इसकी, सो मैंने ये स्पून लिया है, सो मेरा स्पून से ही हो जाता है। सो मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ ये। सो मैंने इसमें ये 3 कप्स मैदा डाल दिया है, 3 स्पून सॉरी, कप नहीं। अब इसमें मैं डालूँगी ये अरारोट। सो मेरा ये अरारोट भी ख़त्म होने वाला है, बट ये 2 स्पून मैंने डाल दिया। अब मैं पहले इसको मिक्स कर लूँगी, इसको मुझे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मेरे चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से सो मैं इसमें और, सो ये इसका प्रोसेस है कि इसमें जो अरारोट है, हम जैसे मैदा हम 4 स्पून ले रहे हैं ये वाली, आप जो भी स्पून यूज़ कर रहे हो, तो 4 स्पून अगर आपने मैदा लिया है तो आपको 2 स्पून ही अरारोट, मतलब कॉर्नफ्लावर जो है वो 2 ही स्पून लेना है, उसकी हाफ क्वांटिटी, मैदा की हाफ क्वांटिटी। तो मैंने अभी 2 डाले थे, 3 ये लिए थे, और मैंने 1.5 चम्मच करीब वो लिया था। सो अब मैं इसमें 1 और डाल रही हूँ, 2 और डाल देती हूँ। और इसमें मैं ये कॉर्नफ्लावर 1 स्पून डालूंगी। सो मैंने ये 1 स्पून इसमें डाला है, और अब मैं इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सो जब पाउडर का कुछ काम होता है तो थोड़ा सा मैस हो जाता है, बट इस ओके वो साफ हो जाएगा। सो बस इसका मैंने अच्छा सा गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लिया है। सो ये देखिए पेस्ट कुछ मैंने इस टाइप का बनाया है। तो बस अब इसमें मैं, ये बैटर मेरा रेडी है, थोड़ा सा हम लोग ये किचन फ्लोर क्लीन कर देते हैं।
साथ ही साथ किचन फ्लोर क्लीन करते रहते हैं तो ज़्यादा बाद में मैस नहीं होता। सो बस यहाँ पर ये बैटर हमारा हो गया रेडी। अब इसमें डालेंगे ये जो चिकन लिया है मैंने, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। सो यहाँ पर मैं इसको डाल के और मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी क्योंकि ये स्पून से नहीं हो पाएगा। सो मैं इसको इस तरह से, तो बस ये चिकन मैंने ऐड कर लिया और अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह इसमें पूरा मिक्स कर लूँगी जिससे कि इसमें नमक वगैरह जो है एकदम अंदर तक चला जाए। और ये करके हमें इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो बस हमें इस तरह से इतना ही गाढ़ा पेस्ट बनाना है जो कि लॉलीपॉप्स पे पूरा लेयर हो जाए। सो इसमें मैंने फूड कलर नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हाँ बच्चों के लिए फूड कलर अच्छा होता है। सो इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। बट अगर आप लोगों को जैसे किसी के लिए कोई मेहमान आ रहे हैं, मतलब गेस्ट वगैरह आ रहे हैं आपके घर में और आपको जब बनाना है तो इसमें फूड कलर ज़रूर ऐड करें, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल लगता है, अच्छा एकदम रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है बाहर। सो गाइज 1 घंटा हो गया है और लॉलीपॉप्स कुछ हो गए हैं इस तरह से। सो 1 घंटा रखने के बाद लॉलीपॉप्स का कलर ये हो गया है। सो बस अब मेरा तेल भी गरम होने रखा है साइड में, ये गरम होएगा और उसके बाद मैं करूँगी इनको फ्राई। सो गाइज ऑयल गरम हो गया है और अब मैं करूँगी इसको फ्राई। सो मैंने गैस की फ्लेम जो है अभी स्लो रखी है क्योंकि मेरा तेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। सो बस अब मैं इसमें डालूँगी लॉलीपॉप और एक एक करके। सो देखिए गाइस कितने अच्छे से कोट हो गए हैं लॉलीपॉप। तो गाइज हो गए हैं ये फ्राई। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी हैं। एंड आपको बता दूं जो बाहर मार्केट में लॉलीपॉप्स मिलते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते। तो ये इसमें जो हम लोग अंडा डालते हैं ना उससे ये इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं आपको तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। सो बस अब मैं ये सारे भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी एक एक डाल के। सो सारे करते हैं फ्राई झटपट। सो गाइज मैंने सारे लॉलीपॉप इसी तरह से फ्राई कर लिए थे और ये थी मेरी आज की लॉलीपॉप रेसिपी। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।